पोर्टर ले रखा है? पोर्टर है? हैं? बड़ा जबरदस्त ले रखा भाई, ओटीपी होगा आपके पास, ओटीपी ओटीपी। हम्म, 4322 नंबर ठीक है, और पोर्टर बज रहा है 4322। ओ भाई साहब 532 रोहिणी की ट्रिप है। ओ रुको यार, ये ले लूँगा मैं तो भाई, 532 रोहिणी जाना है मुझे। और ये मेरी वाली? भाई एक मिनट रुक जाओ, पहले ये मिल जाऊँ भाई कस्टमर को, दो मिनट का सफर नहीं। देखो मैंने कहा था आ रहा हूँ, बुकिंग कैंसल्ड, ओला लवनिया पे खड़ा हूँ बोल रहा था, लवनिया में 3 मिनट के अंदर अंदर आ गया मैं। अब बताओ यहाँ पर खड़ा था वो बंदा, कैसे कैसे लोग हैं यार। लड़की की ट्रिप होती तो एक बार को मैं मान भी लेता कि चलो उसको सब्र नहीं होता, लड़का होके भी सब्र नहीं हुआ इसको। 12:30 हो रहे हैं 15 अप्रैल, और स्वागत है भाई आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ओला मेरे को कोई भी इंसेंटिव शो नहीं कर रहा है, देखो नो इंसेंटिव येट, अभी कोई इंसेंटिव नहीं है। पर मैंने सुना है कि इंसेंटिव ये दिखाने लगता है 5-6 ट्रिप करने के बाद, तो क्या इसमें सच्चाई है या नहीं ये देख लेंगे। बाकी यार वेट है मुझे पहली ट्रिप का। मुझे यार भाई जो ट्रिप कैंसिल हुई थी वो नेहरू प्लेस की थी, और अभी मेरे पास एक ट्रिप आई है, ये नोएडा सेक्टर 60 की है, और इसका पिकअप बहुत दूर से, सूरज कुंड से पिकअप है इसका। मैंने उनको बोल दिया है, मैंने कहा कैंसिल मत करना, मैं आ रहा हूँ पिकअप करने, क्योंकि दूर का पिकअप है ना भाई 2.7 किलोमीटर, तो इसलिए मैंने कहा कैंसिल मत कर देना, मैं आ रहा हूँ आपके पास 7 किलोमीटर 3 किलोमीटर पिकअप लेने आया हूँ भाई साहब मैं यहाँ पे, ये ठेके के पास सूरज कुंड का ठेका है, यहीं कहीं खड़ा हुआ अपना बंदा, ये रहा शायद। आ जाओ भैया, ओटीपी होगा आपके पास, ओटीपी ओटीपी। हम्म, 4322 नंबर ठीक है, और पोर्टर बज रहा है 4322। ओ भाई साहब 532 रोहिणी की ट्रिप है। ओ रुको यार, ये ले लूँगा मैं तो भाई, 532 रोहिणी जाना है मुझे। और ये मेरी वाली? भाई एक मिनट रुक जाओ, पहले ये मिल जान दो। 532 रुपये की ट्रिप है रोहिणी की, भाई साहब रोहिणी रहता हूँ ना मैं, ये मिल जाएगी तो लेनी पड़ जाएगी, कर लेंगे आपको भी एडजस्टमेंट। कैसे? अरे आ जान दो एक बार, 532 रुपये की ट्रिप ले ली क्या? अबे ये क्या हो गया, ये तो हैंग हो गई क्या? 4322 लो, हाथ ही नहीं आई। 4322 नहीं आई? हाँ बोला था मैंने आपको पहले, नहीं आ गई। आपकी किस्मत ज़्यादा तेज चल रही थी। मेरी किस्मत था ही तेज भाई। 4322 भाई साहब आपकी किस्मत बहुत तेज चल रही थी। बैठो, तेज भी तेज ही है, अच्छी बात है भाई। बैठो बैठो, पेट्रोल पेट्रोल ले ले, पेट्रोल ले ले। ये कैमरा किस लगा रखा है? ब्लॉगिंग करता हूँ मैं। तो भाई रोहिणी की ट्रिप तो हमारी छूट गई, 532 रुपए की थी। बाकी देखो ओला की इस ट्रिप ने हमारे को हरियाणा घुमा दिया, दिल्ली घुमा दिया, यूपी में घुमा देगा, 3-3 स्टेट घुमा देगा। सोच के देखो बाइक बुक करिए भाई ने, अगर टैक्सी बुक करते तो यहाँ का टूल लगता पहले सूरज कुंड वाला, फिर उसके बाद कलिंदी कुंज वाला टूल लगता, 2 टूल से बच गए भाई साहब, यानी कि काफ़ी रेट सस्ता बढ़ गया। बाइक बुकिंग करने का फ़ायदा, बाकी इस टाइम जो कंपटीशन है वो इलेक्ट्रिक और पेट्रोल वाली बाइक में है, तो इस पर बहुत ज़रूरी बात भी हमें करनी है। फिलहाल यहाँ इस भाई को इन्होंने बिल्कुल न्यू ब्रांड पैक है एकदम स्प्लेंडर प्लस, यानी कि देख लो नंबर प्लेट भी नहीं आई, और जोमेटो में इन्होंने आईडी बनाई हुई है। न जाने ऐसा क्या कमा लेते हैं लोग यार, जो 1.25 लाख की मोटरसाइकिल लेके ये जोमेटो मेटो में काम करते हैं भाई। क्या नंबर दो? एक सेकंड 216 रुपये, 216 नंबर इस पर कर दो स्कैन, 216 रुपये यहाँ पर फ़ोन पे हो गए। 5 स्टार रेटिंग दे देते हैं,
भाई बंदा बड़ी टेंशन में आ गया था जब मैं पोर्टर की ट्रिप को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा था। 200 रुपये की अर्निंग हुई है इसमें, अपडेट हुई है लोकेशन, सेक्टर 58 की ट्रिप थी वैसे, पर उतरा भाई यहाँ पे। अब यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ट्रिप बजी जाएगी यहाँ पे, देखते हैं बाकी, वेट कर लेते हैं। राइडर बहुत हैं यहाँ पे भाई साहब, राइडर देखो यहाँ कितने हैं, ये सारे के सारे राइडर हैं। सबसे ज़्यादा राइडर रहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिटी में, चारों तरफ राइडर या राइडर नजर आएंगे। बाकी बच जाएगा अपना ओला, ज़्यादा देर नहीं लगेगी यहाँ पे। काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, एक बार पहले जब मैं आया था यहाँ बारिश आ रही थी उस टाइम काफ़ी तेज़। इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेक्टर 63 से हमारे को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ट्रिप मिली है, कनॉट प्लेस पहुंच गया हूँ। ओला में काफ़ी देर वेट किया भाई मैंने, कोई ट्रिप नहीं मिल रही थी। मैंने रैपिडो और ओवर पर स्किप करता रहा ट्रिप, फिर मैंने कहा यार छोड़ो। वैसे भी बताऊँ आपको ना, 7 रुपये 16 पैसे का रेट दिया ओला ने मेरे को। अब मुझे लग रहा है शायद ओला अपने इलेक्ट्रिक पर डिपेंड रहना चाहता है और राइडरों को भी डिपेंड करना चाहता है। मुझे नहीं लगता ओला सही रेट देगा, कुछ दिन देना था उन्हें अपनी मार्केट के लिए, कर लिया उन्हें जो करना था। 7 रुपये 16 रुपये का रेट देख के तो वैसे ही मेरा काम करने का मन हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। बाकी इसको कंप्लीट करते हैं। और ये देखो शिकारी सबसे फास्ट विभाग है, देख रहे हो गाड़ी डाल रखी है, 44 रुपये की दोबारा दे रहा है। करोल बाग नहीं यार, करोल बाग की तो नहीं लेंगे, ओवर पे 25 रुपये तो देने ही है सुबह सुबह इसको। ₹158 पेटीएम कर दो भैया जी, कैश मेरे पास लुटाने के लिए नहीं होगा तो मैं आपको पेटीएम कर दूं बैलेंस है। यहाँ रुकने का फ़ायदा नहीं है, यहाँ से तुरंत निकलने का फ़ायदा है भाई, मैं नई दिल्ली में रुकता ही नहीं। सबसे बड़ा पंगा यह है ना कि पता चला कि मैंने कोई ट्रिप एक्सेप्ट कर ली और वो बंदा रेलवे स्टेशन पे खड़े खड़े बुकिंग कर देते हैं, तो पता चला वो उस वाले गेट पे है, फिर यहाँ से उस गेट पे जाओ तब तक ट्रिप कैंसिल होगी। और यहाँ पर खड़े रहने में कभी कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ पूछेगा, बेकार के पंगे रहते हैं। इसलिए मैं यहाँ से सीधा पहले कनॉट पे जाऊँगा। ओवर ने 7 रुपये 14 पैसे का रेट दिया है, ओला ने 7 रुपये 16 पैसे का रेट दिया था। ऊबर को सुबह सुबह 25 रुपये भी चाहिए अभी। ओला का रेट और रैपिडो का भी रेट लगभग यही सेम है, यानी कि तीनों के तीनों वही अमर अकबर एंथनी बन रखे हैं। और सबसे बड़ी समस्या सिर्फ उनके साथ है जिन्होंने इलेक्ट्रिक ले लिया ओला का। अगर मान लो काम नहीं आएगा तो फिर वो खड़े रहेंगे, और काम आएगा तो फिर ओला इलेक्ट्रिक वालों को कंपनी अपने हिसाब से रेट देगी और उसके बाद उनसे रेंटल भी लेगी जो रेंटल सेट करने वाली है कंपनी। चलो अब मैं ओला पर डिपेंड नहीं था तो इसलिए मैंने ऊबर की वाली ट्रिप कर ली, अगर ओला पर डिपेंड होता तो अभी तक मैं वही नोएडा में खड़ा रहता। अब आगे देखते हैं आगे क्या मिलेगा। अब रैपिडो भी मिलेगा तो उसको भी कर लूँगा, 20-22 किलोमीटर की अगर कोई ट्रिप हुई उसको भी कंपेयर कर लेंगे, तीनों का रेट पता चल जाएगा क्या चल रहा है। हाल है भाई, बजने को तैयार नहीं है कोई भी, रैपिडो बज भी रहा है तो पास पास के बज रहा, 12 खंबा और ये इधर उधर का, कोई ट्रिप बजने को तैयार नहीं है। कहाँ जाए बंदा यार, समझ में नहीं आ रहा। खादी इंडिया, चलो यहाँ से थोड़ा इंडिया गेट की तरफ चलते हैं। शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन, बहुत हॉट मेट्रो स्टेशन है ये भी, यहाँ से ट्रिप लंबी मिलने के चांसेस रहते हैं काफ़ी, क्योंकि कोई एयरपोर्ट वगैरह से आता है ना तो यहीं पे एंड हो जाता है उसका। अगर वो नोएडा वगैरह गाजियाबाद कहीं जाना चाहता है तो यहाँ से बुक करना पड़ता है उसको बाइक टैक्सी। देख लेते हैं 1 मिनट, अगर यहाँ कोई ढंग की ट्रिप मिल जाती है तो ठीक है, वरना फिर इंडिया गेट की तरफ निकल जाएंगे। चांस तो है यहाँ से ट्रिप मिलने का, काफ़ी हॉट मेट्रो। लो जी कहती आ गई कश्मीरी गेट, अबे हट कश्मीरी गेट। वैसे एक बात है, रैपिडो के पास मार्केट बहुत तगड़ी, काम तो रैपिडो के पास है, पर ये है कि छोटी ट्रिप ज़्यादा है रैपिडो के पास। शिवाजी स्टेडियम से मेरे को एक छावनी की ट्रिप मिली थी जिसमें 95 रुपये कैश क्लैट हुए थे, जबकि 120 रुपये कंपनी ने मेरे को इसमें दिए थे, जो कि 12 किलोमीटर की ट्रिप थी। अब यहाँ से देखते हैं क्या मिलने वाला है हमारे को। तो भाई छावनी में खड़े खड़े 1 घंटा हो गया मेरे को, कोई ट्रिप बजने को तैयार ही नहीं है छावनी में। बज भी रही हैं तो फिर सारी उत्तम नगर की तरफ की बज रही है, वहाँ जाने का मेरा मन है नहीं। अभी देखो ट्रेन आई है, अगर कोई ट्रिप बज गई तो ठीक है। बाकी मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ पर काफ़ी राइडर जो है सीधा प्लेटफॉर्म पर छोड़ के आते हैं, क्या लग रहा है कि सामान वामान रखवा के आते हैं ट्रेन के अंदर ही, जो भी आता सीधा वहीं गेट पर छोड़ के आता।
अरे भाई आदत मत खराब करो कस्टमर की, पूरा वहाँ छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। मेरे पास आती है तो मैं तो वहीं बाहर ही उतारता हूँ कि भैया हमारी सीमा यहाँ तक ही है। अब यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा सदर बाजार की तरफ, क्योंकि यहाँ मुझे नहीं लग रहा बजेगी कोई ट्रिप। मैंने जो छोड़ा था मैंने वहीं छोड़ दिया था दुकान पे। राइडर को देख रहा हूँ सीधा प्लेटफॉर्म पर ले जा रहे हैं सीधा, आदत खराब कर रखी है। अब यहाँ से मैं सीधा सदर बाजार की तरफ जाऊँगा, नहीं मिल रही कोई ट्रिप, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। ये देखो ये दो राइडर आराम से लेटे हुए हैं। 100 राजापुर खुर्द 11 किलोमीटर, ये उल्टा काम दे रहा है उधर की तरफ, करने ही जाना मुझे शिया जी को। फुल फॉर्म में भी कम से कम 3-4 बाइक कमा ले, ये रात दरबार मुंह में डाल के फर्स्ट क्लास चलेगी अब बाइक, देखना 70 की स्पीड में पूरा पूरा एक 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 बाइक कमाल, दो बाइक कमाल, तीन बाइक कमाल, 4 बाइक कमाल है वैसे भी। क्यों हॉर्न बजा रहा भाई, पोर्टर ले रखा है, पोर्टर है हैं, बड़ा जबरदस्त ले रखा भाई। कम से कम 2-3 बाइक कमाल है, पर्सनल है, पोर्टर का नहीं है। अच्छा, दो बंदों का माल है। वैसे वैसे करते हो पोटर वोटर करते हो? अच्छा ये पर्सनल है, नहीं ठीक है। और क्या, कहाँ कहाँ ले जा रहे हो? दरियागंज? अच्छा तो ये वो ये पर्सनल पार्टी का काम जो है ना लोग, आई लव दिल्ली कैंट। और मैंने गलती कर दी, मुझे वहाँ मिलना चाहिए था अगर काम चाहिए था तो, ये सीधा आगे मैंने गलती कर दी। चलो ITC मौर्या की तरफ चलते हैं या इंडिया गेट की तरफ, वहीं बात बनेगी अगर बनेगी तो। ओला कुआं मेट्रो स्टेशन, भाई धोला कुआं तक खाली आ गया मैं, 3-4 किलोमीटर। अब यहाँ से ट्रिप बजेगी, वैसे यहाँ से भी मैं चांस कम ही मानता हूँ ट्रिप बजने के, 2-4-5 मिनट देखूंगा यहाँ भी धोला कुआं में भी, नहीं तो फिर देखते हैं। राइडर यहाँ भी काफ़ी खड़े होते हैं, काम की बहुत बुरी हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। धोला कुआं से मेरे को एक वसंत विहार की ट्रिप मिली थी, और जैसे ही मैंने उस ट्रिप को एक्सेप्ट किया उसके तुरंत बाद मेरे पास ओला पर ये वाली ट्रिप आ गई थी। ये 167 नोएडा की ट्रिप थी, 288 रुपये की, 35 किलोमीटर की इस ट्रिप को मैंने कंप्लीट किया, और उसके बाद फिर मैंने रैपिडो किया। ऊबर को गो होम लगा रखा मैंने, उसके बाद भी ग्रेटर नोएडा की ट्रिप दे रहा है, इनकी बुद्धि खराब हो गई है भाई साहब। चाहे ऊबर हो चाहे रैपिडो हो, रैपिडो को तो मजबूरी में करना पड़ता राइडर को, शौक से कोई भी रैपिडो को करता नहीं है, मुझे नहीं लगता शौक से कोई भी रैपिडो को करता होगा। ओला के पास उतना काम नहीं है, वो इलेक्ट्रिक को दे रहा है, बड़ी ट्रिप को इलेक्ट्रिक वाले छूते नहीं है, तो बड़ी ट्रिप हाथ लग जाती है। जैसे मुझे 33 किलोमीटर की मिली थी, एक 26 किलोमीटर की ट्रिप मिली थी, छोटी ट्रिप तो हाथ लगती नहीं, छोटी इलेक्ट्रिक वाले खींच लेते हैं, या तो इनकी 32-32 रुपये वाली ट्रिप लो। अब हिम्मत नहीं है, नहीं तो मैं बोटैनिकल जाऊँ ना उस तरफ तो मुझे काम 100% मिल जाएगा, पर मेरा ग्रेटर नोएडा वाले रोड पर इन्होंने हालत ख़राब कर दी। तो फ्रेंड्स रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो सेक्टर 167 से सेक्टर 45 के बीच में 3 ट्रिप मैंने रैपिडो की करी थी, 91 रुपये की मेरी अर्निंग हुई भाई, वापसी में बहुत बढ़िया साथ दिया रैपिडो ने मेरा। एक ट्रिप मैंने सेक्टर 63 से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेके गया था, ये हमारी 21 किलोमीटर की ट्रिप थी जिसमें कंपनी ने मुझे 150 रुपये दिया। ये भी रेट भाई बहुत ही बकवास रेट है, और जबकि सुबह सुबह 25 रुपये यार मेरे से ऊबर ले लेगा। इसके अलावा मैंने ओला के साथ 3 ट्रिप कंप्लीट की थी और मेरे को 593 रुपये की अर्निंग हुई थी ओला के साथ। इस हिसाब से टोटल मैंने 834 रुपये का काम किया था, जबकि मेरी बाइक 122 किलोमीटर चल गई थी घर पहुंचने तक। काम की शुरुआत हमने लगभग 12:15-12:30 बजे की थी, और घर पहुंचते पहुंचते मेरे को लगभग
10:45 बज गए थे, यानी कि 9:30 के बीच का समय रहा होगा जब मैं अपने घर पहुंचा हूं। ये अर्निंग ठीक है, फिर भी यहां पर मेरा जो पेट्रोल है वो लगभग 225 रुपये का पेट्रोल लगा है और अर्निंग 850 रुपये है। तो वीडियो यार ये वाली यहाँ तक, ये वीडियो का लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।